हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सब सही रहेंगे आई होप। तो आप लोग सोच रहे कि मेरे बाल इतने उड़ क्यों रहे, मैं गया कहाँ हूँ करके, तो बार बार पीछे करना पड़ रहा है इन बालों को। तो मैं आज अपने ही गाँव आया हूँ किसी गाँव से। सो लास्ट टाइम मैंने आपको अपने गाँव का आगे कभी दिखाया था, और मैं अभी अपने गाँव से पीछे साइड पर आया हूँ। तो जहाँ हम लोग हैं काफ़ी हवा लग रही है, मतलब मेरी फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ हम लोग आए हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी दिनों बाद। तो देख सकते हैं अभी हवा ऐसी लग रही है, बार 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 ऐसे संभालने पड़ रहे हैं अपने अपने। तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं खंडर पे। तो गाइस, इस जगह को हम लोग कहते हैं दयालपाटा। ये हमारे गांव से इस तरफ को है, हमारा गांव से पीछे पे को है। और हम लोग आज बहुत टाइम बाद आए हैं, आई थिंक 2-3 साल बाद आया हूँ मैं इधर पे को, क्योंकि मैं गांव कम ही जाता हूँ। और सोचा आप लोगों को भी वीडियो बना के दिखा दूँ, थोड़ा सा आप लोग भी देखिए इस एरिया को। और यहाँ से हिमालय देखिए कितना क्लोज दिखता है। सॉरी, हिमालय तो नहीं, कोई पहाड़ होगा जहाँ बर्फ पड़ी है, तो सभी हिमालय कहते, तो मेरे मुँह से भी हिमालय निकल गया। तो गाइस देखिए आप लोग कुछ ऐसा है व्यू देखा, तो थोड़ा क्लोज आके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसा दिखता है कुछ व्यू ऐसे जैसे, और यहाँ से गंगा घाट भी दिखता है जहाँ पर मैंने पॉइंट किया है, वो है गंगा घाट। तो ऐसा दिख रहा है आपको अगर तो। गाइस ये छोटा सा व्लॉग रहेगा, थोड़ा सा लोकेशन अच्छी है तो सोचा आपको भी दिखा दूँ मैं। हवा बहुत अच्छी लगती है दिल्ली को, आप लोग अगर हवा की आवाज़ सुन सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसे हैं यहाँ के व्यू, यहाँ आपको छोटे छोटे भी दिखाऊंगा, देखिए आप लोग। हवा कितनी तेज़ लग रही है, आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ये हिलने हैं पौधे। और मेरे बालों को देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हवा कितनी तेज लग रही है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत छोटी है, तो बस ऐसे ही मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को थोड़ा बहुत। और तो गाइस अभी धूप तो बहुत लग रही है इधर पे को। तो मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा गाँव दिखा देता हूँ आपको, एक फटाफट में हो जाएगा वो, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप लोग ज़रूर देखिए इसे, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट मैं दिखाऊंगा और एक सॉन्ग लगा दूंगा प्यारा सा, ताकि मुझे ज़्यादा कुछ बोलना ना पड़े, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही है, कभी कभी तो आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही है। तो छोटा सा रहेगा ये वीडियो, तो आप लोग भी देखिए इसे और इन्जॉय कीजिए। मैं दिखाता हूँ अपने गांव को, अभी थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग जहाँ पर उस जगह का नाम है सिद्धखंड, और ये हम थोड़ा सा ही उस जगह से थोड़ा सा इधर को आ गए हैं। तो खेती खेत थी तो क्या दिखाता सोचा मैंने आपको, तो अभी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। मैं आपको एक दूसरी जगह से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यह तो हम अपने गांव से थोड़ा पीछे तरफ पे हैं, और ये वाला है सितखन पहले कहा जाता था इसे, और इसके उस तरफ को है हमारी गाड़ी खड़ी। अब आप लोग सोचेंगे मैं बोल क्यों रहा हूँ करके, थोड़ा सा आप लोगों को जगह बताई देता हूँ लोकेशन क्या है करके। परछाई में तो मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ, रियल में कैसा लगता हूँ बताएंगे आप लोग ज़रूर से, बताना कमेंट करके। वहाँ देखिए तो कैसे लग रही है पे, तो यहाँ पर भी तो आपने, यहाँ से तो आपने लास्ट टाइम वीडियो देखी है। तो अब यहाँ से ऊपर को रास्ता बंद है, तो गाइस आप लोगों ने वहाँ तक तो दिखाई होगा हमारे गांव को, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम यहाँ पे तक दिखाया था। तो मैं थोड़ा सा आगे को दिखाता हूँ, और ये कपड़ों की हालत देख सकते हैं आप लोग। हम लोग जहाँ पे गए थे उस जगह पे गए थे, वहाँ पर ये घास फूस लग गई है पूरी तरह से। तो यही है गाइस यहाँ पर जो घर दिख रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे तक, और एक लास्ट पे घर है, उसके पीछे एक और घर है। तो इतना ही है अपना गाँव, एंड हमारे वाला तो याल है जो आप लोगों को दिख रहे हैं। मैं बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऊपर का कुछ व्यू ऐसा रहता है, तो धूप बिल्कुल चले जाती है क्योंकि पहाड़ लग जाता है इतना बड़ा सा। तो वाला है अपना घर,
और वाला है फर्स्ट फ्लोर, रुको उंगली कहाँ देखी, फर्स्ट फ्लोर वाला है, सेकंड फ्लोर वाला है, वहाँ किचन है और यहाँ पर हम लोग सोते हैं। तो गाइस यही रहती है हमारे गांव की छोटी सी क्लिप, अगर आपको पसंद आती है तो उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एट लास्ट सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।